चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद पर अपनी लैंडिंग कर ली है, जिससे देश की शक्ति विदेशों में भी बढ़ी है और भारत के इसरो वैज्ञानिकों को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं, जिससे वह बेहद खुश है। ये तस्वीरें हर भारतीय के लिए गर्व की है। इन लम्हों को आंखों में उतार लीजिए, इन पलों को दिल में बसा लीजिए। ये दृश्य हमेशा के लिए हर भारतीय के जहन में रहेंगे। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर उतरा। ये लम्हे ऐतिहासिक बन गए। भारत के इसरो ने वो कर दिखाया जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। हिस्ट्री इज मेड टुडे विद द सक्सेसफुल मून लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। आवर साइंटिस्ट हैव नॉट ओनली मेड हिस्ट्री बट ऑल्सो रीमेड द आइडिया ऑफ ज्योग्राफी। इट इज ट्रूली अ मोमेंटस ओकेजन, द काइंड ऑफ इवेंट दैट हैपेंस वंस इन अ लाइफ टाइम, मेकिंग ऑल इंडियाज प्राउड। आई कॉन्ग्रेचुलेट इसरो एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इन दिस मिशन एंड विश देम ग्रेटर अकम्प्लिशमेंट्स अहेड। द सक्सेस ऑफ चंद्रयान आई बिलीव इज ऑल्सो ए major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं। 140 करोड़ भारतीयों के सीना तान के चलने के ये पल यूं ही नहीं आए हैं। गर्व से सिर ऊंचा है। आजादी के अमृत काल में हमारे प्यारे तिरंगे ने भी आसमान में भारत की कामयाबी का नया रंग देखा। सब कुछ दुनिया के सामने है। ऐसी सफलता के पीछे कड़ी और बड़ी मेहनत होती है। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा टेस्ट किए गए, नए यंत्र लगाए गए, सुरक्षा तकनीकें बदली गई, इंजन कम किए गए। मेहनत रंग लाई, दुनिया ने भारत के बुलंद हौसले देखे। भारत अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। कम से कम 11 देशों की निगाहें तो हर पल को भांप रही थी। ये 11 देश अपने मून मिशन के जरिए चांद को नापना चाहते हैं। भारत को यूं ही उम्मीदों वाला देश नहीं कहा जाता। अब कुछ नया मिलेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के रहस्य जानने के लिए नए द्वार खोले हैं। ये मायने समझिए।
अगले एक डेढ़ दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने की योजना चल रही है। अमेरिका सहित कई देश चांद पर स्थायी स्पेस स्टेशन या बेस बनाने की योजना में लगे हैं। भारत इसमें एक गंभीर और जिम्मेदार किरदार निभा सकता है। इसके ठोस कारण भी हैं। भारत की किफायती तकनीक और कुछ कर गुजरने की ताकत। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। बात यह है कि चांद पर पहुंचने के दौरान चंद्रयान 3 ने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया और वहां पहुंचकर अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। राजेश खत्री, बेंगलुरु, कर्नाटका।